अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब, वेलकम हो गया आपका फिनशेक ऑफिशियल ब्लॉग में। तो आज है जुम्मा, तो मैं निकल रही हूँ जॉब के लिए। आज मेरी शिफ्ट है 1 से 10, क्लोजिंग टाइम है क्योंकि आज दिवाली है, तो सब लोग 4-5 बजे निकल जाएंगे। तो अकेली मैं रहूँगी रात के 10 बजे तक। आज मैं जा रही हूँ विवाना में, क्योंकि जो नए सलून में थी मैं मेडोज में, आज वहाँ से मेरी शिफ्टिंग है विवाना में, क्योंकि यहाँ का सलून 4 बजे तक बंद हो जाएगा। तो मेडो विवाना का ओपन रहेगा जब तक मॉल खुला रहता, जब तक 10 बजे तक ओपन रहेगा। इसके लिए मेरा शिप आज उधर है, मेरा और मेरे साथ अलीशा दो जन का, हम दोनों उधर है आज, क्योंकि सब दिवाली में चले जाएंगे। हम लोग का इतना है नहीं कुछ, तो हमको रुकाया है, तो हम रुकेंगे 10 बजे तक, 1 बजे से पहुंच के। तो अभी मैंने टॉप्स चेंज किए नहीं, वैसे तो मैं ऐसा हमको बोला था ऐसा टॉप और ऐसा गले का बोला था, पर अभी नहीं मिल रहा है। ये तो अंजू अफसाना के लिए, अफसाना के लिए लेके आई थी, उसकी भी जॉब पे उसको ऐसे पहनना पड़ता है, तो वो लेके आई थी। एक तो एक उसने मुझे दिया है, तो मैंने एक पेयर किया, ज़्यादा बड़ा लग रहा है, इससे छोटा है शायद, से वो पहनूंगी अभी जाके। तो आज मैंने फिर से पहना है कॉट सेट, इसका वीडियो मैंने बैक फ्रंट कैमरा से अच्छे से बनाया है। तो चलो आज चलते विवाना में, देखते हैं वहाँ पर दिवाली कैसी होती, क्या होती, क्या नहीं, कैसे नहीं। तो हमेशा तो यहीं पर बनाते हैं मीरा नंदनी में, आज फर्स्ट टाइम हम लोग विवाना में रहेंगे। देखते सब लोग तो 4-5 बजे निकल जाएंगे घर पर, हम लोग रहेंगे दो जन, मैं और अलीशा रात के 10 बजे तक। हम दोनों क्या करते, कैसे करते, क्या खाते, क्या पीते, हो सके तो मैं वीडियो बनाऊंगी, नहीं जमा तो मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अभी नए नए लोग के साथ मैं इतनी कंफर्ट नहीं हूँ वीडियो बनाने के लिए, जैसे हमेशा मेरे साथ मेरे फ्रेंड लोग रहते थे पुराने वाले, उनके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ। मेरे साथ वैसे तो प्रीति है, पर आज वो दूसरे साइड में है, क्योंकि वो ब्रांच में, वो जल्दी बंद होने वाला है इसके लिए वो उधर है, और ये लेट बंद होने वाला है इसके लिए मैं उधर हूँ। तो चलो चलते हैं, 1 बजे शिप है, 12:15 बजने आए, टफट बुरका वगैरह नकाब पहन लेती हूँ और निकलती हूँ। और ये कॉन्सेप्ट में कैसी लग रही कमेंट में ज़रूर बताना, और आप सबको हमारे तरफ से हैप्पी दिवाली। तो दिवाली का ब्लॉग है, तो दिवाली में आएगा ये, आप लोग को कल तक मिल जाएगा वीडियो। आज दिवाली का मैं, मुझे क्या गिफ्ट मिलने वाला तो 2 दिन से था, पर वो अवेलेबल नहीं हो रहा है, फिर भी आज मिलेगा या नहीं मिलेगा आप लोग को मैं बताऊँगी, क्या मिलेगा, कहाँ जाएँगे, क्या करेंगे। इनकी भी जल्दी 6 बजे, तो ये 6-7 बजे भी छूट जाएंगे, तो डायरेक्ट विवाना में आ जाएंगे मुझे लेने के लिए। तो वहाँ से हम लोग कहीं जाते हैं, कहीं खाने या पीने या कुछ, तो भी प्लान तो बहुत कुछ है, देखते क्या होता है छूटने के हिसाब से। अरे मेरा बैग टूट चुका है, मुझे ऐसे लेके जाना पड़ा, इतना मुझे शर्म आ रही है लेके जाने ऐसे बैग। मेरा एक बैग है, पर ये जो ब्लू कलर का है ना, इसमें पैक करके रखी हूँ मैंने, अभी इसको खोलना मतलब पूरा दिन जाएगा, तो इसको मैं खोल नहीं सकती, इसके लिए का बैग ही मुझे लेके जाना पड़ रहा है। तो उस दिन गई थी बैग लेने के लिए, पर इतने कॉस्टली बैग थे, तो मुझे इतना कॉस्टली बैग नहीं लेना था इस टाइम के लिए, इसके लिए मैंने नहीं लिया। देखती हूँ छुट्टी के लिए मुमरा वगैरह जाऊँगी, तो वहाँ से लेके आऊँगी। तो चलो निकलते हैं, मिलते हैं आपको रास्ते में। अभी यहाँ से मैं बस में जाऊँगी, डायरेक्ट मिलती है तो, क्योंकि वहाँ तक के लिए बस मिलती है, मुझे आराम से पहुँच जाती हूँ मैं। तो चलो मिलते हैं आपको स्टैंड पर, जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं आपको नीचे जाके, हो गया आपका ऑफिशियल ब्लॉग में। आज दिवाली का 2nd डे, फर्स्ट डे था, मैंने वीडियो स्टार्ट किया था पर एंड नहीं किया है, रात के 8, मैं अभी आ रही हूँ, जब सुबह में गई थी मैं आज जल्दी। तो अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं बाहर, अभी अंजू ने खाना पीना बना चुकी है, खाने में बनाई है मसाले वाली दाल और चावल। आज मैंने ये आउटफिट पहन के गई थी, कल वो वाला कॉट सेट पहन गई थी, आज ये पहन के गई थी। 3 दिन का था पहनने का, 2 दिन तो हो गए, कल देखते कुछ और पहन के जाओगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं बाहर, तो चलो आप लोगों को भी दिखा सकते हैं, कुछ लेने जा रहे हैं हम लोग, वो आप लोगों को जाके दिखाते हूँ, क्या लेने जा रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, कितने में ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे। तभी बर्तन रख के जैसे फ्री होती फिर हम लोग जाएंगे सामान लेने के लिए। मम्मी तो निकल चुकी है, तो चलो हम लोग भी निकल गए। तो अभी मैं दिवाली की मिठाई खा रही थी, दो से उनको मिला था मिल्क केक, और एक डब्बा, 2 डब्बे थे उसमें, इतनी खास मिठाई नहीं थी, दोनों में एकदम ऐसी मिठाई थी। अभी मेरे को भी थोड़ी सी दिया है, एक सोन पापड़ी है और थोड़ा एक मूंग दाल का हलवे का, मूंग दाल है उसमें, मूंग दाल है, बाकी इतना कुछ मिठाई ये नहीं थी, एकदम ये मिठाई लग रही थी पूरा डांडे डांडे वाली। चलो अभी आई हो गया अम्मी, जाते हैं नीचे, फिर मिलते हैं आपको, और आपको दिखाती हूँ मैं क्या लेने जा रहे हैं हम। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। तो घर से निकलते ही किसी के आंगन में देखो कितने अच्छे से रंगोली बनाए थे, यहाँ पर भी थे, ये भी काफ़ी मुझे अच्छी डिज़ाइन लगी। तो चलो चलते हैं अभी सुनार की दुकान में, अभी जो लेना है आप लोगों को मैं दिखाऊंगी क्या लेना है। अभी बहुत सारे हैं, इसमें समझ में नहीं आएगा आपको मैं कौन से ले रही हूँ, मैं आप लोग को फाइनल के वीडियो में बताऊँगी मैंने क्या लिया। तो चलो देखते हैं क्या 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 है इनके पास। आपने लेते हैं हम बस, मैंने बताया है।
आली अली आया है, आली आली। अरे 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 यहाँ पर अभी ले रहे हैं कान का 90 गोल्ड, अभी डिसाइड कर रहे हैं अंदर, पसंद तो हम लोग ने कर लिया है, देखते हैं अभी फाइनल क्या हो रहा है क्या नहीं। यहाँ परवरता तो यहाँ लेंगे, नहीं तो आगे और भी बहुत सुनार के दुकान है, फिर हम लोग वहाँ जाएंगे। अभी यहाँ पर सब मार्केट उठने वाला है, अभी 9 बजने के लिए 10 मिनट बाकी है और हम लोग आके यहाँ पर कम से कम 1 घंटा होने आया है। ये रहा मार्केट, फिश मार्केट, इसके बाजू में ही गोल्ड का दुकान, देखते अभी क्या होता है, लेते या नहीं लेते आप लोग को दिखाती हूँ। अम्मी खड़े हैं वहाँ पर, तो चलो मिलते हैं आपको बाद में, बाय बाय। तो फाइनली हमने जो कान का लेना था हमें ले लिया, यहाँ पर बिलिंग वगैरह हो रही है, तो साइड में मैं खड़ी हूँ बिल देखने के लिए कि मुझे बिल में बराबर समझ में नहीं आता, तो मैं अच्छे से लिखवा के फिर इनको बताती हूँ। तो यहाँ पर ये लड्डू दे रहे थे दिवाली का, और यहाँ कितना खुश हो रहा है, इसको गुदगुदी कर रहे तो खुश हो रहा था। और ये मेरे थे पुराने कान का जो बहुत साल हो गए लेके, तो इसको रिटर्न करके ही मैं दूसरे कान के ले रही हूँ। इसके बाद हम लोग आए घर पे, यहाँ पर सब लोग, हम लोग के पास फटाकड़ी थे, जैसे मेरे भाई ने लेके आए थे, तो यहाँ पर हम लोग पूरे घर वाले आए थे फोड़ने के लिए। यहाँ पर अम्मी बैठी, यहाँ पर आली चल रहा है, यहाँ पर आलिस बाबा कोई लेके खड़ा, इंशा है, सब पूरे घर वाले है तो यहाँ पर फोड़ रहे सब लोग मिल के फटाकड़ी। तो चलो, हमने तो एक भी नहीं फोड़ी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है फटाकड़ी से, हाथ में भी इतने फूट जाते थे, कोई मेरा भाई, दूसरा भाई, सब लोग, पूरी फैमिली थी हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर दुकान पे खड़ा है भाई। तो चलो करते हैं एंजॉय दिवाली, मिलते हैं आपको थोड़े टाइम बाद, चलो उन्हें बैठा है आनंद घर पर खाना खाए। कितने लोग आए, बाबा बाबा, अरे ऐसे लगा। आज टायर को क्या जला रही है, वगैरह सब हो गया, फटाकड़ी बम, रस्सी बम, सब कुछ फोड़ के आ गए। और मैंने देखो कैसे कान का पहना है आज, क्योंकि वहाँ पर बोल रहे थे काड़ो काड़ो, तो मैंने बोला चलो ये पहन लेती हूँ, वैसे में मेरे वो यही थे पर उनको पल्स के बोल रहे थे। बाहर सोसाइटी में देखो लाइटिंग कितनी अच्छी लग रही है माशाल्लाह। तो अभी 2 दिन के लिए, कल भाई दूजे कल, फिर उसके बाद ख़त्म। तो हम लोग आए थे आज सब जन ने बहुत टाइम बाद, सब मिल के फटाकड़ी वगैरह फोड़ी, थोड़ा एंजॉय किया, सब बच्चे बिच्चे हमारे गली के बच्चे लोग थे, सब लोग एंजॉय किए हम लोग। फिर आए फिर घर में, इंचा हमारे पीछे लगी थी, कल भी आई थी पर वो रात को सोती तो बहुत सताती, पर मैं हैंडल करा, अभी मुझे जाना है तो सुबह में 9 बजे जाती हूँ मैं, तो फिर वो रोती है, फिर उनको छोड़ना पड़ता है, ये करना पड़ता है, इसके लिए मैं लेके नहीं, कल संडे रात को लेके आऊँगी, तो मंडे मैं रहूँगी घर पर, तो मैं उसको संभाल लूँगी। तो देखा मेरा गिफ्ट कैसा था, गिफ्ट नहीं है मतलब खुद से, मतलब जब मेरे पहले के कान के थे, मैंने आज से पहले मेरे को बहुत बहुत साल पहले बनाया था वो, तो डिज़ाइन कुछ खास नहीं थी, जब मैं पहनती थी वो डिज़ाइन अच्छी नहीं लगती थी, तो मैंने ज़्यादा पहना ही नहीं वो कान के, 1-2 बार पहना है। तो आज वो फाइनली वो कान के मैंने बेच दिए, बेच के मैंने आज वो जो स्वीता का, कि जो आपने लोग ने तो वीडियो देखा ही, तो वो कान के बनाए। वैसे मुझे कान के बहुत टाइम से पहनने की ख्वाहिश थी, तो फाइनली वो कान के मैंने ले लिए। अभी मेरे पास बड़े भी कान के हैं, झाले जिसको बोलते हैं, पर वो मेरे छोटे हैं, 6 ग्राम के कुछ है समथिंग, उसको मुझे अभी डाल, ये जैसे फ्री होगा उसको डाल के फिर मैं उसको भी बड़े बनाऊंगी जल्दी इंशाल्लाह। अभी सोना भी काफ़ी रेट महंगा हो गया है, 80 तक पहुँचा है, फाइनली 80 तक था अभी, हाँ, तो मेरा अभी थोड़े पैसे देना बाकी है, उसको 2 बार करके मैं दे दूंगी। कान के दे नहीं रहा था, पर अम्मी वगैरह कल गाँव जा रहे हैं, तो इसके लिए वो लाइट बंद करो, दिखाती हुए आए खा के पी के, अरे मत पंखा मत, मेरी आवाज़ नहीं जाती।
तो थोड़ी सा आज मुझे जुकाम वगैरह भी हुआ है, आवाज़ भी बैठा है, नेक में थोड़ा शोल्डर में पेन हो रहा है क्योंकि नस पे नस चढ़ गई मेरे। तो ये वीडियो कल से कंटिन्यू रहेगा, कल भी मैंने वीडियो एंड नहीं किया था तो मैंने सोचा चलो इसे मैं ऐड कर लेती हूँ, दिवाली का और दिवाली के सेकेंड डे का, लक्ष्मी पूजा का और सेकेंड डे का इसमें ही मैं रखूँगी। क्योंकि दो दिन वहाँ तो मैंने कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि सब नए लोग हैं तो मुझे जमरा नहीं था, तो मैं नहीं बनाई वीडियो। तो अभी यहाँ पर तो जैसा सेटल होगा मेरा फिर यहाँ पर भी मैं बनाऊँगी। अभी जॉब का मैं वीडियो कुछ बनाई नहीं, कौन क्या कैसा कैसे किधर मैंने कुछ नहीं बनाया क्योंकि मेरे लिए वो सब कुछ सब लोग नए हैं। वैसे दो जन मेरे पुराने फ्रेंड है, बाकी सब लोग पूरे नए हैं तो मैं भी ज़्यादा उन लोगों में कम्फर्टेबल नहीं हूँ, इसके लिए मैंने नहीं बनाया। धीरे धीरे जब कम्फर्टेबल होंगे तब मैं बनाऊँगी। अभी फ्रेश हो चुकी हूँ, फेस पे मैं अभी स्प्रे किया टोनर, अभी मैं जा रही हूँ सोने। मिलती हूँ आपको कल के एक नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और दुआ में ज़रूर याद करें। और आप सबको मेरे तरफ से सेकेंड डे की भी दिवाली मुबारक, कल भाई दूज है, देखते हैं भाई दूज का कुछ स्पेशल वीडियो रहेगा तो वो ऐड कर लूँगी या तो फिर चलेगा। अब ये बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हैं और छोटे भी हैं यहाँ वाले, तो सोच रही हूँ यहाँ के यहाँ पे ना ये निकाल के रख दूँ क्योंकि देखो कितने बड़े हो गए। अब ये नया मेहमान आया है यहाँ पर, बीच में कम हो गए थे, वापस आना स्टार्ट हो गया। अभी थोड़ा भी एसी वीसी में रहने का शायद से पता नहीं लोगों को, तो एसी वीसी में ये हो जाता है मेरा धूल पोल्यूशन बाहर आना जाना होता ना उससे भी ज़्यादा होते। तो चलो बने रही मेरे चैनल के साथ, मिलते आपको कल के नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, शब खैर।